नहीं, हम लोग सिर्फ छह को अब जो पार्टिसिपेट है उसके बीच में फ्रेश एक फाइनल राउंड होगा तो मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्नासी प्रकल्प 2017 সালে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এইটা উনি চিন্তা ভাবনা করেছিলেন, মা জাতিকে প্রথম শিক্ষা নেওয়া উচিত, মা যদি শিক্ষিত না হয় তাহলে বাচ্চাদের গঠন করা যাবে না, দেশের উন্নয়ন হবে না। 84 নম্বর ওয়ার্ডে আজকে আমরা এম ও ঘনি মেমোরিয়াল স্কুলে মমতা ব্যানার্জি অনুপ্রেরণায় এবং ইকবাল আহমেদ মহাশয়ের সহযোগিতায় আজ আমরা এই কন্যাশ্রী স্কুলের কন্যাশ্রী উৎসব করা হচ্ছে। এই এখানে পার্টিসিপেট করেছে সেন্ট্রাল মডেল হাই স্কুল HS পর্যন্ত আছে, ভালো রেজাল্ট করে তারা আছে, পার্সাস গার্ল হাই স্কুল আছে, ওরিয়েন্ট গার্ল স্কুল আছে এবং গরিকান স্কুল আছে, এরা মিলে যে কুইজ অ্যান্ড ডিবেট হবে। দিদির কী চিন্তাধারা সেটা তাদের জানাবার জন্যে কুইজ ডিবেট, ওরা এটা লেখাপড়া করে আগামী দিনে যাতে আমাদের দেশের গর্ব হয়। আজকে ওরা সায়েন্টিস্ট, আজকে ওরা প্লেন ওড়াচ্ছে, আজকে মহিলারা যুদ্ধে যাচ্ছে, এইটার জন্য সহবাসী দেওয়ার জন্য আমরা যে ডিবেট করেছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে বার্তা যে চিন্তাধারা ওনাদের মধ্যে বীজ বপন করার জন্য আমরা আজকে এখানে সমবেত। कन्याश्री जो है ये हमारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, हमारी दीदी का गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। बहुत सारे स्कीम्स में से कन्याश्री भी आता है, एक रूपश्री है, कन्याश्री है, सबूत साथी है, खाद्यो साथी है, पर कन्याश्री जो है वो खास करके जो गर्ल चाइल्ड है उनको और इनकरेज करने के लिए, पढ़ाई की तरफ मोटिवेट करने के लिए ये स्कीम को लाया गया है कि लड़कियों का स्कूल का जो फीस है एक तरह का स्कॉलरशिप है, ये बच्चों का पढ़ाई में वो हेल्प होता है। इससे क्या है, कई फैमिलीज़ ऐसे होते हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स के या नॉन माइनॉरिटी भी कुछ हैं जो लड़कियों को खास करके पढ़ाई में उतना इनकरेज नहीं करना चाहते हैं, तो फाइनेंशियली उनकी सपोर्ट करके, उनका मदद करके लड़की को पढ़ाकर इंडिपेंडेंट होना और खुद आत्मविश्वास जगाने के लिए ऐसा ही स्कीम लाया गया हमारे बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से। ये बहुत सारे पहले ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में होता था कन्याश्री, पर अब प्राइवेट स्कूल्स में भी ये कुछ हद तक लागू हो गया है। लड़कियों को ये मोटिवेट करता है, एम्पावर करता है, ये जो वेमेन एम्पावरमेंट है हमारा बंगाल गवर्नमेंट उस चीज़ को प्रमोट करता है। इवन आप रिजर्वेशन ऑफ सीट्स में जाइए तो ये हमारे पार्टी का एक रूल है कि एक 1/3 अमाउंट ऑफ सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर वेमेन होना, उसके लिए ज़रूरी है कि लड़कियां पढ़े लिखे कुछ अपने पैरों पर खड़े हों। इस अभी का जो माशरा है, हमारा जो माहौल है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि लड़की भी खुद इंडिपेंडेंट हो, आगे बढ़े, अपना खुद ये स्कीम की तरफ से एक लड़कियों के लिए हौसला अफजाई किया गया है, सपोर्ट किया गया है फाइनेंशियली। बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जो लड़कों का पढ़ाई तो अफोर्ड कर सकते हैं कि भाई लड़के कमा कर घर लाएंगे, पर लड़कियों को हमेशा पीछे रख दिया जाता है कि उनकी शादी करा के तो बस उन्हें तो घर बसाना है। पर ये चीज़ आज के माशरे में ये चीज़ हम नहीं मानते, ना हमारा गवर्नमेंट मानता है। उनको और इनकरेज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कन्याश्री को लाया गया है और आज के दिन हम लोग कन्याश्री को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सक्सेसफुल हुआ है ये स्कीम, काफ़ी बच्चियाँ इस चीज़ से फ़ायदा उठा रही हैं। है रूपश्री स्कीम है, वो रूपश्री है जो लड़कियों के फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकते शादी कराना, या कुछ हमेशा यही होता है कि पैसे उतने जमा हो नहीं पाते हैं, लड़कियों की अच्छी जगह शादी नहीं हो पाती है, तो रूपश्री स्कीम के माध्यम से लड़कियों को फ़ंड मिलता है, उनके अकाउंट में 25,000 रुपया जाता है। मैंने अपने वार्ड में खुद पिछले साल 38-40 लड़कियों का रूपश्री स्कीम करवाया है, जिससे उनकी शादी में उनकी काफ़ी मदद हुई है। तो ऐसे कई स्कीम्स हैं जो हमारा गवर्नमेंट प्रमोट करता है और काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ है। कन्याश्री स्कॉलरशिप है जो ममता बनर्जी गर्ल्स को प्रोवाइड करती है ताकि वो लोग आगे पढ़ सके। बहुत ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं, इसीलिए ममता बनर्जी चाहती है कि वेस्ट बंगाल की लड़कियां आगे बढ़े, अपने देश का नाम करें, इसलिए वो पैसे दे रही ताकि लड़की लोग पढ़ सकें।
बहुत तरह से पहुँच रहा है, जिनको पैसे नहीं है पढ़ाई के लिए उनको पैसे मिल रहे हैं, बहुत सारी लड़की को कोर्स करना रहता है जिसके लिए ज़्यादा पैसे लगते हैं उससे हो जाता है वो पैसे से, और बहुत सारी लड़की सारा कोर्स कर रही है डॉक्टर बनती है इंजीनियर बनती है बहुत कुछ हो जाती है पैसे से। ठीक है।